हेलो फ्रेंड्स मैं एडवोकेट नितेश कुमार एक एन सी ए क्लासेस वेंचर ऑफ सी ए आशीष ग्रोवर एंड एडवोकेट नितेश कुमार लक्ष्मी नगर दिल्ली में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों एक एन सी ए क्लासेस इंडिया का एक प्रीमियर ब्रांड है सी ए एडुकेशन के फील्ड में एंड वी आर कंडक्टिंग क्लासेस ऑफ सी ए फाउंडेशन हमारी सबसे बड़ी स्पेशलिटी क्या है सी ए कोर्स के डिफरेंट स्टेजेज हैं जिसमें सीए फाउंडेशन स्टेज में हम लोगों का स्पेशलाइजेशन है और सीए फाउंडेशन लेवल पे फेस टू फेस क्लासेस लक्ष्मी नगर दिल्ली में हम लोग करवाते साथ साथ लाइव एट द होम जो आप अपने मोबाइल पर भी क्लासेस देख सकते हैं उसको भी हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है इसके अलावा गूगल ड्राइव और पेन ड्राइव क्लासेस का ऑप्शन तो आज मैं एडवोकेट नितेश कुमार और मेरे साथ मेरे पार्टनर मेरे भाई सी आशीष ग्रोवर हम दोनों मिलकर आपका एक टाउन हॉल कंडक्ट करने वाले एक ओपन टॉक है और अब इस डिस्कशन को आशीष आशीष सर आगे हेलो फ्रेंड्स, मैं ग्रोवर, आप सबका स्वागत करता हूं खैर मद्दम करता हूँ वेलकम करता हूं देखो बेटा मैं और मेरे मित्र मेरे भाई नितेश कुमार जी ने आपको सब कुछ बताया इसमें मेन क्या है बेटा हम यहाँ पे लक्ष्मी नगर में सीए की क्लासेस कराते हैं फाउंडेशन लेवल और मैं आपको एक छोटा सा डेटा आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आजकल लोग ऐसी बात करने लग गए हैं भाई सीए में बहुत अच्छा रिजल्ट जा रहा है काफी लोग सीए बन रहे हैं पर मैं आपको एक छोटा सा डेटा बताना चाहता हूं। अगर आप देखो फाउंडेशन लेवल पे वन थाउजेंड स्टूडेंट आते उसका बहुत अच्छा रिजल्ट जाए तो तीस रिजल्ट जाता है तीन बच्चे आ जाते हैं सी ए इंटर का बहुत अच्छा रिजल्ट जाए 20 परसेंट तो आउट ऑफ 360 स्टूडेंट जो हैं वो आ जाते हैं फाइनल वहाँ का बहुत अच्छा रिजल्ट जाए 10 परसेंट छः बच्चे सीए बनते मतलब 1000 बच्चे सीए करने आए बने सिर्फ छ अब इसमें होता क्या है बच्चों को लगता है कि भाई हम फाइनल में फेल हुए बेटा समझना क्या है बच्चा फाइनल में नहीं फाउंडेशन में फेल हुआ था बहुत सारे बच्चे क्या देखते हैं जो हमने स्कूल में पढ़ा वही सेम पढ़ाई हमारी फाउंडेशन में उनको लगता है भाई हमें क्लास करने की जरूरत क्या है ये सब तो हमने पढ़ा हुआ है पर बेटा ये एक बेस है जो फाउंडेशन मैं और नितेश सर आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं जो गाइडेंस हम दे रहे हैं जो प्रैक्टिकल टच पढ़ाई में हम दे रहे हैं जब तक वो आप बेस नहीं बनाओगे इंटर फाइनल में आपको दिक्कत आएगी तो बेटा पहली बात फाउंडेशन की क्लास हर बच्चे को लेनी चाहिए दूसरी बात की फाउंडेशन हमसे क्यों पढ़ना चाहिए भाई इंस्टीट्यूट तो पैन इंडिया बहुत सारे हैं ऑनलाइन मोड पे गूगल ड्राइव पेन ड्राइव इवन यूट्यूब पे लोगों ने फ्री लेक्चर तक डाले हुए तो बेटा मैं और नितेश सर पिछले सत्ताईस साल से पढ़ा रहे हैं ट्वेंटी सेवन ईयर्स इतना हमारा एक्सपीरियंस है जो आप बच्चों की एज से भी काफ़ी ज़्यादा है मैं क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से बी ऑनर्स किया हुआ है नितेश सर एक एडवोकेट है और एम इन्होंने किया हुआ है ग्रेजुएशन लेवल पे काफ़ी अच्छी पढ़ाई की हुई है तो बेटा हम जो आपको ज्ञान देते उसमें हम सिर्फ ये नहीं कहते कि आप फाउंडेशन में पास हो हमारा मकसद है हमसे पढ़ा हुआ एक एक बच्चा सी ए बने तब हमारा मकसद पूरा होता चाहे हम पढ़ा सिर्फ फाउंडेशन लेवल पर रहे अब बच्चे क्या देख रहे हैं अभी सी ए फाउंडेशन में बहुत बड़ा चेंज आए काफ़ी सिलेबस को चेंज कर दिया गया है अभी जून ट्वेंटी फोर से जो नया कोर्स आया इसमें बेटा मैं अकाउंट्स पढ़ाता हूँ मैं उसमें आपको बता रहा हूँ एक अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है कंपनी में बोनस शेयर राइट शेयर पार्टनरशिप में डिजोल्यूशन काफी कुछ ऐड हुआ है नितेश सर अपने पेपर्स का बताएंगे तो बेटा अब जो फाउंडेशन का कोर्स है इसको आईसीआई भी क्या कर रहा है काफी टफ बना रहा है। इंटर में फाइनल में उन्होंने नंबर ऑफ पेपर्स को ड्रॉप कर दिया आर्टिकलशिप का पीरियड कम कर दिया अभी कल की मैं एक आपको न्यूज दे रहा हूँ कि अब अटेम्प्ट भी जो साल में दो बार होते थे फाउंडेशन इंटर के अब तीन बार हुआ करेंगे तो बेटा ये जो सारी चीजें हो रही ये इसलिए हो रही है कि आप फाउंडेशन को वो टफ बनाना चाहते हैं इंटर फाइनल ईजी बनाना चाहते हैं तो फाउंडेशन लेवल पे आप सबको क्लास करनी चाहिए बाकी जहा तक सीए कोर्स एज अ होल की बात है मैं आपको बता रहा हूँ बेटा सीए से बढ़िया कोर्स कॉमर्स के बच्चों के लिए नहीं आप एक बार सीए बन जाते हो बेटा बहुत अच्छी अर्निंग आप कर सकते हो चाहे आप जॉब में जाओ प्रैक्टिस में जाओ काम की अभी कोई कमी नहीं लोग कहते हैं जी सीए बनके बन के जॉब नहीं मिलती मैं कहता हूं मेरे पास बच्चे आते हैं कहते हैं कि सर हमें बताओ कोई जॉब में एक दिन में उनको दस जॉब बता देता हूँ नितेश सर बता देते बेटा जॉब की कमी नहीं है आज की डेट में जॉब करने वालों की कमी है प्रैक्टिस में बहुत काम है जीएसटी आने के बाद इनकम टैक्स भी अच्छा काम है ऑडिट है मैनेजमेंट कंसल्टेंसी तो एक सीए बनके आपको सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलती है आपकी अर्निंग अच्छी होती है आपकी लाइफ अच्छी होती है इसके लिए आपको पाँच साल मेहनत करनी पर उस जर्नी की शुरुआत जहाँ से करोगे वो बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट होना चाहिए बहुत अच्छी जगह होनी चाहिए और यहाँ ए के एन सी ए क्लासेज में मैं और नितेश सर आपको एश्योर करते कि हम आपको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन देते हैं विद प्रैक्टिकल नॉलेज प्लस हम आपको गूगल ड्राइव पेन ड्राइव मोबाइल अपनी ऐप पे लाइव एट द होम क्लासेस देंगे जो सब कॉम्प्लीमेंट्री रहेंगी उसका एक कंप्लीट पैकेज होगा कोई क्लास मिस भी होती है आप वहाँ भी देख सकते हो अब आगे की बात आपको मेरे मित्र नितेश सर बताएगी अभी आशीष सर की बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ बात समझना यहाँ पे ये है कि ए कैंड सी ए क्लासेस जो हम लोगों का है इसकी स्पेशलिटी क्या है मैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ लेकिन आप अगर देखो तो जो भी रेप्यूटेड कोचिंग इंस्टीट्यूशन है उनके जो ऑनर हैं वो सी ए इंटर और फाउंडेशन बेस्ड टीचर्स आज के डेट में तो ऑनर का भी पता नहीं चलता आज के डेट में तो कुछ ऐसे भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन आ गए हैं जो इंजीनियरिंग फील्ड के हैं और सी ए कोर्स में अभी एंट्री ले रहे हैं हमारे यहां सबसे बड़ी बात क्या है हम दोनों ही ऑनर हैं और आपके मैक्सिमम पेपर हम दोनों ही पढ़ाने हैं अकाउंट्स आशीष ग्रोवर सर पढ़ा रहे बिजनेस लॉ और बिजनेस इकोनॉमिक्स मैं पढ़ा रहा हूं और मैथ्स की हमारी रेप्यूटेड फैकल्टी है आप अगर कंपेयर करोगे इस बात को तो आप पाओगे कि हम लोगों का जो डेडिकेशन डिवोशन कमिटमेंट आपकी ओर होगा वो दूसरी जगह शायद नहीं दिखेगा है क्या हम तो यह मान के चलते हैं आपका रिजल्ट मींस मेरा रिजल्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इसलिए हम पूरी एफर्ट्स आपके साथ लगाते हैं बच्चों सबसे बड़ी बात क्या है वेल बिगन इज हाफ डन अच्छी शुरुआत होनी बहुत जरूरत है जैसा कि आशीष सर ने अभी आपको बताया है आज के डेट में फाउंडेशन लेवल पे सी इंस्टीट्यूट इस एग्जाम को पहले जैसा नहीं रख रही है। इस एग्जाम को टफ बना रही है जैसे मैं नए सिलेबस की बात अगर करूं बिजनेस लॉ में तो बिजनेस लॉ में तो बहुत सारे चेंज आए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पहले भी था जनरल कॉन्ट्रैक्ट आज भी है सेल ऑफ गुड्स पुराने सिलेबस में भी था आज भी है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पुराने सिलेबस में था अभी भी है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट पुराने सिलेबस में था अब भी है कंपनीज एक्ट पुराने सिलेबस में था अब भी है चेंज आया उसको आप समझो तीन नए चैप्टर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं कहने जा रहा हूं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 जो पहले से इंटरमीडिएट लेवल में हुआ करता था अब उसको फाउंडेशन लेवल पे लाया गया आप समझो फाउंडेशन कोर्स का ये स्ट्रक्चर कैसा बनाना चाहते आज का फाउंडेशन कोर्स पहले के इंटरमीडिएट के लेवल का। सीए इंटरमीडिएट में पहले जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट होता था जो इंडेमिनिटी गारंटी बेलमेंट प्लेस एजेंसी ये सारे टॉपिक्स आपको सीए फाउंडेशन लेवल पे आ इसके अलावा इन्होंने जो फर्स्ट चैप्टर इंट्रोड्यूस किया है दैट इज इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क यहां पे इंडियन जुडिशियल सिस्टम को बताया गया कहने का सेंस क्या है फाउंडेशन लेवल का सिलेबस जो न्यू सिलेबस का है न्यू कोर्स का है ये ओल्ड कोर्स से बहुत डिफरेंट है और आईसीआई आपसे चाह रही है कि फाउंडेशन लेवल के पेपर्स में आपका एक्सपर्टाइजेशन हो अब जैसे लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट ये लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट आपके प्रोफेशनल करियर में भी यूज होगा जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे तो एलएलपी फॉर्म्स का अकाउंटिंग ऑडिट ये भी करना पड़ेगा अब ये एलएलपी एक्ट जो है वो केवल फाउंडेशन लेवल पे है इंटरमीडिएट और फाइनल लेवल पे नहीं सिमिलरली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो केवल फाउंडेशन लेवल पे है इंटरमीडिएट और फाइनल लेवल पे नहीं सिमिलर बिजनेस इकोनॉमिक्स को देखिए पहले बिजनेस इकोनॉमिक्स में केवल फाइव चैप्टर्स होते थे ओल्ड सिलेबस पहला होता था इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स जो पुराने सिलेबस में भी था अब भी है सेकेंड थियोरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पुराने सिलेबस में था अब भी है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट पुराने सिलेबस में था अब भी है मार्केट का कंटिन्यूएशन है बिजनेस साइकिल पुराने सिलेबस में था अब भी है अब यहां पे सेकंड पार्ट जो ऐड हुआ है वो आपके लिए बहुत चैलेंजिंग है बिजनेस इकोनॉमिक्स दे हैव इंट्रोड्यूस्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स इसके चैप्टर्स क्या क्या हैं नेशनल इनकम थियरी पब्लिक फिनेंस, इंटरनेशनल ट्रेड और इंडियन इकोनॉमी मींस मुझे बिजनेस इकोनॉमिक्स में लगता है 50 मार्क्स का इन्होंने सिलेबस ऐड किया तो देखने पे तो आपको सिलेबस लगेगा कि पूरा नहीं लेकिन आईसीआई को एक कॉम्प्लीमेंट तो जाना ही चाहिए कि उन्होंने चेंजिंग बिजनेस सीनारियों के अनुसार अपने सिलेबस को डिजाइन किया है और वो आपको एक अच्छे प्रोफेशनल के रूप में ग्रूम करना चाहते हैं यहाँ पे एक क्लासेस के अंदर हम लोग आपकी क्लासेस कराते हैं टेस्ट होते हैं कंटिन्यूअस बेसिस पे उसके अलावा आपका रिवीजन होगा एवरी इज प्रोवाइडेड हियर बुक्स मटेरियल सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा और अभी जो हम लोगों हम लोगों ने मोबाइल ऐप अपना इंट्रोड्यूस किया है इसी नाम को जो आपको लोगो यहाँ पे दिख रहा है एक एन सी ए क्लासेस ये गूगल प्ले स्टोर में जाइए अपने मोबाइल पे इसे डाउनलोड कीजिए और फिर हम लोगों का लाइव क्लास देखना शुरू कर दीजिए मतलब जो फिजिकल डिस्टेंस पहले बैरियर होता था वो अब नहीं जो हमारी क्लास होगी सेम क्लास आपको मोबाइल ऐप आप पे भी मिल सकती है तो ये हम लोग एक नई बात लेके आए हैं साथ साथ और भी चेंजेज है जर्नी लंबी है चेंज होते रहेंगे और हम दोनों उन चेंजेज को आपको बताने के लिए आते हैं तो मेरा बस इतना कहना था आपको सर कुछ कहना बेटा देखो बच्चे जब यहाँ लक्ष्मी नगर में आते हैं तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट यहाँ मिलते हैं अब वो सोचते हैं हम कहाँ पे जाएं तो जैसा नितेश सर ने भी बताया बेटा हम सिर्फ फाउंडेशन की स्पेशलाइज कोचिंग देते और इस बात की कंफर्मेशन कहाँ से आपको मिलेगी कि हम बेस्ट इंस्टीट्यूट हैं फॉर सीए फाउंडेशन अभी कुछ दिन पहले चरणजोत सिंह नंदा सेंट्रल काउंसिल के मेंबर हमारे बहुत अच्छे मित्र आईसीआई अच्छा। के वाइस प्रेजिडेंट बने उनका बेटा हमारे यहाँ पढ़ाऊ जितने काउंसिल के मेंबर हैं सबके बच्चे बेटे बेटियाँ फाउंडेशन हमारे यहीं करते तो बेटा इतने बड़े काउंसिल के जो मेंबर हैं उनसे ज्यादा नॉलेज कोचिंग इंस्टीट्यूट की सीए की किसको हो सकती और अगर वो अपने बच्चों को जहाँ भेज रहे हैं बेटा वो बेस्ट इंस्टीट्यूट है सत्ताईस साल से हम पढ़ा रहे हैं इस फील्ड में और फाउंडेशन के ही स्पेशलाइज हम सेंटर हैं जैसे आपके आंख में चोट लगती तो बेटा आप एम जाओगे कि आई स्पेशलिस्ट के पास जाओगे आई स्पेशलिस्ट, तो बेटा फाउंडेशन की यहाँ स्पेशलाइज क्लासेस होती है हम इंटर फाइनल की क्लास नहीं देते बाकी सेंटर के हैं फाइनल और इंटर के इंस्टीट्यूट है फाउंडेशन नाम के लिए वो चलाते हैं कि चलो किसी को हायर कर लिया कोई आके पढ़ा है तो बेटा बेस्ट एजुकेशन आपको फाउंडेशन में लेनी चाहिए ताकि आपका बेस अच्छा बने ग्राउंड फ्लोर फाउंडेशन है इंटर फर्स्ट फ्लोर है फाइनल सेकंड फ्लोर अगर ग्राउंड फ्लोर वीक होगा आपकी बिल्डिंग खड़ी नहीं हो पाएगी आप सीए बनने का सपना अधूरा रह जाएगा तो बेटा आपको हमारे यहाँ आना चाहिए आप ट्रायल क्लासेस भी ले सकते हैं आप कुछ दिन क्लास करके देखिए जब आपको डिफरेंस समझ आएगा तब आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन करिए बाकी मैं आपको आखिरी शब्द यही बोलना चाहता हूँ मुस्कुराते रहो तुम हजारों के बीच जैसे होते हैं फूल बहारों के बीच रोशन रहो दुनिया में इस तरह जैसे होता है चांद सितारों के बीच तो बेटा इन शब्दों के साथ मैं अपने तरफ से इसको एंड करता हूँ बाकी नितेश सर अगर कुछ बोलना चाहे तो बेटा आप हमारे यहाँ ज्वाइन करिए हम आपका स्वागत करते हैं आप आइए बाकी आप लक्ष्मी नगर में कहीं भी किसी अपने सीनियर से भी डिस्कस करेंगे जो बच्चे सीए में फाइनल लेवल पे सीए बन चुके हैं वो आपको हमारे लिए रिकमेंड करेंगे तो इन शब्दों के साथ हम इस सेशन को एंड करते हैं थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ़ यू थैंक यू वेरी मच